दोस्तों आपके घर में किसी न किसी एक आदमी ऐसे होंगे जो रेलवे के ग्रुप डी की फॉर्म तो अप्लाई किए ही होंगे, या फिर आपके बड़े भाई हो या फिर छोटे भाई हो। ऐसे ऐसे ही परिवार होंगे जो कि लगातार घर के सारे मेंबर्स लगभग 90% वो रेलवे के फॉर्म की अप्लाई किए होंगे, खासकर ग्रुप डी में हो। क्योंकि दोस्तों अब पता होना चाहिए आपको कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको मिनिमम 18 साल की एज चाहिए थी और आपको इतनी अच्छी सैलरी उसमें मिल रही है। उसके बाद आपको ओनली 10th पास होना का उसमें क्वालिफिकेशन मांग गया था। दोस्तों अब पता ही है कि आपके घर में लगभग सारे मेंबर्स वो फॉर्म को भर लिए होंगे। दोस्तों अब सवाल ये उठ के आती है मन में कि आखिर हम फॉर्म तो भर लिए लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगी, क्या उसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, क्या उसमें करेंट अफेयर रहेंगे, क्वेश्चन किस लेवल की होगी, प्रीवियस ईयर की सेट कैसी थी, अब इस साल एग्जाम कैसी होगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे हम न्यूज देखेंगे। मतलब इतने सारे आपको मन में सवाल उठते होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। दोस्तों ये सारे सवाल आपके मन में फ्रेंड्स पक्का उठते होंगे। दोस्तों मैं हूं रोशन झा और करता हूं स्वागत आपका अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके मन के कोने हिस्से में कहीं न कहीं खुशी की लहर दौड़ती होगी कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा मतलब कि पास तो होना तो तय है, अगर थोड़ा भी पढ़ लिख लिए तो पास होना दोस्तों तय है। लेकिन दोस्तों ये बात भी बिल्कुल 90% सत्य है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी मतलब निकालना अगर आप हल्का भी थोड़ा इधर उधर करते हैं एसएससी की तैयारी या फिर किसी भी चीज का, तो आप फ्रेंड्स इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि साइंस और रीजनिंग और मैथ और जीएजीएस ये सब क्या होता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें और हमें कैसे कैसे उसे फिलअप करना होगा और कैसे कैसे एग्जाम में पैटर्न आएंगे। यहाँ उठ के ये आ जाती है कि आखिर हम रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी का जो देने जा रहे हैं वो एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो दोस्तों मैं उसी के बारे में आपको जिक्र करने वाला हूं और कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से पैटर्न है क्वेश्चन के और प्रत्येक कैटेगरी वाइज में कितने कितने नंबर का क्वेश्चन कितने कितने जगह कितना कितना फ्रेंड्स आएंगे। तो इन सभी जानकारियों को दोस्तों मिलती है यहाँ पर उठ के ये आती है कि आखिर जो क्वेश्चन जो आएगी सो कौन कौन से आपको सब्जेक्ट से आएगी और कितने कितने आएगी। तो पहले जान लीजिए कि सबसे पहले आपको साइंस में बात करने वाला हूं, क्योंकि साइंस फ्रेंड्स जो होती है सो आपको मोस्टली 90% क्वेश्चन जो होती है सर हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक दो घुसाही दी जाती है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों साइंस जो है सो इसमें बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। दोस्तों साइंस से आपको 30 क्वेश्चन मिनिमम दागे जा रहे हैं आपको इस एग्जाम में, जो कि इसके लेवल होगी 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। मतलब साइंस जो एग्जाम यहां दे सकते हैं ये 30 क्वेश्चन यहां पर जो आ रही है इसकी लेवल फ्रेंड्स आपको 7वां, 8वां और 9वां, 10वां से जुड़ने वाली है। अब दोस्तों बात करूंगा रीजनिंग के बारे में। दोस्तों रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, जो रीजनिंग की लेवल काफी आसान होती है, अगर आप वो पढ़े होंगे तो बता दूंगा। खैर दोस्तों मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो आराम से इम्तिमान से बैठ जाइए और आराम से ये सारी के सारी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों फायदेमंद ही होने वाली है। दोस्तों अब बात करने वाला हूं मैथ के बारे में। दोस्तों मैथ जो है उसमें आपको 25 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम और दोस्तों आपको जीएजीएस 20 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से आपको आएंगे। अब दोस्तों कितने लोग ऐसे कंफ्यूजन होते हैं बहुत से लोगों की, सर जीए और जीएस में क्या अंतर है। दोस्तों बता दो कि जीए क्या होता है जीएस क्या होता है ये जान लीजिए। दोस्तों जीएस मतलब होता है जनरल साइंस, जो कि जनरल साइंस से ही इसमें क्वेश्चन आपको मिनिमम आते हैं, और जीए दोस्तों होता है जीए में दो चीज जुड़े होते हैं, पहला तो आपको जो आप पुराने पैटर्न के ओल्ड जीके पढ़ते हैं वो वाली जीके इसमें इंक्लूड होती है, और फ्रेंड्स दूसरी होती है फ्रेंड्स इसमें कि आप जो नए पैटर्न के पढ़ते हैं जीके जो जीए माफ कीजिए करेंट अफेयर्स वो करेंट अफेयर्स में जुड़े होते हैं जीए में। जीए मतलब कि दोनों जो ओल्ड जीके है सो और जो न्यू अभी करेंट अफेयर्स जो घट रही है वो दोनों फ्रेंड्स इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कि पहला जब मैंने पढ़ा था यहाँ पर जनरल साइंस के बारे में जिसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जो जीएस के नाम से उसे पुकारते हैं, तो दोस्तों ये आप इसमें साइंस में किस किस पैटर्न कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे तो दोस्तों इस पर जिक्र करने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल साइंस, फ्रेंड्स जनरल साइंस से आपको यहाँ पर फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोस्तों बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब सबसे अधिक क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ही मिलेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस सेट आप उठाकर देख लेंगे तो आपको दोस्तों बायो से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूड आपको मिलेंगे। दोस्तों आपको यहाँ फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन और बायो से 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाली है। और दोस्तों अब बात करूँगा जनरल साइंस के बाद के आगे का
टॉपिक के बारे में। दोस्तों इसमें एक समय और आती है रीजनिंग के बारे में, जैसे तो यहाँ रीजनिंग लिखी हुई है रीजनिंग 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जानने की 25 क्वेश्चन रीजनिंग कहाँ कहाँ से आएंगे और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास एक रीजनिंग का यहाँ पर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में, दोस्तों पढ़ लीजिए। पहले दोस्तों आएगी आपको एनालॉजिक, ठीक है, दूसरी आएगी अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकली ऑपरेशन, रिलेशन साइलोलिज्म, जम वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एंजम्पशन। दोस्तों इसमें से आपको अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज से आपको एक क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपको फ्रेंड्स दो क्वेश्चन, उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन, रिलेशनशिप से आपको एक या दो क्वेश्चन दोस्तों आ सकती है। दूसरे दोस्तों आपकी है सफिशियंसी, तो सफिशियंसी से क्वेश्चन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, इसमें कंफ्यूजन चल रही है। दोस्तों आपका दूसरे क्वेश्चन है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, इसे दोस्तों एक से दो क्वेश्चन मिनिमम तो रहता ही है, ये आपको दो क्वेश्चन और मिलेगी। अब आगे है आपको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, दोस्तों इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगी, और एनालिटिक रीजनिंग में से आपको दो से तीन क्वेश्चन मिल जाएगी, क्लासिफिकेशन में से भी आपको दो क्वेश्चन मिलेगी, और डायरेक्शन से आपको भी एक क्वेश्चन मिलेगी, और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड एंजप्शन से आपको तीन से चार क्वेश्चन मिलेंगे। ये दोस्तों याद रखिएगा, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड एंजप्शन से आपको तीन से चार क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रेलवे एएलपी का जो एग्जाम हुआ था एयर टेक्नीशियन वाला, उसमें से आपको तीन से चार क्वेश्चन था आपको एंजप्शन और आपको आर्ग्यूमेंट था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है रेलवे ग्रुप एएलपी के ऊपर में, सी के ऊपर में, तो वो वीडियो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, वो वीडियो तक प्लीज आप देख लेना। दोस्तों ये थी रीजनिंग की, ठीक है। अब दोस्तों सवाल आती है कि आखिर जो सवाल जो आएगी मैथ से वो कैसे कैसे आएगी। दोस्तों यहाँ मेन यहाँ पर फोकस आपका मैथ पर है, क्योंकि मैथ दोस्तों इसमें उतनी लेवल रहती है जो थोड़ा परेशानी करती है, और मैथ मतलब टाइम टेकन, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लेती है, तो इसका आपको ख्याल दोस्तों रखना पड़ेगा मैथ के ऊपर। तो ये बात करता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैंने कुछ रिपोर्ट रखा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों नंबर सिस्टम से आपको एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। नंबर सिस्टम से दोस्तों फ्रेंड्स आपको एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर आएगी नंबर सिस्टम से। अब आगे बात कर रहा हूँ दोस्तों बोर्ड मार्क्स के बारे में, तो फ्रेंड्स बोर्ड मार्क्स से फ्रेंड्स आपको दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पर आने वाली, ये याद रखिएगा। आपको बोर्ड मार्क्स जितना हो सके उतना आप क्लियर कर लीजिए, जिससे आप दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोर्ड मार्क्स से यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों बात कर रहा हूँ डेसिमल्स के बारे में, तो डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन ये दोनों मिलाकर फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन फ्रेंड्स ये दोनों मिलाकर आपको एक से दो क्वेश्चन यहां पर आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करूं दोस्तों आपको है एलसीएम, एचसीएफ एंड फ्रेंड्स आपको एक और रेशियो एंड प्रोपोर्शन छोड़ दीजिए, तो एलसीएम और एचसीएम से ये दोनों से आपको एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगी, लेकिन दोस्तों इसमें क्वेश्चन वाइज रहेगी। जैसे होता है ना दोस्तों कि अगर किसी नंबर में इतना बढ़ा दे तो इतना क्या होगा, दोस्तों ऐसा सा क्वेश्चन यहाँ पर एलसीएम के एचसीएफ के ऊपर मिलेगी आपको, डायरेक्ट एक्चुअली एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन निकालने को नहीं मिलेगी, इसके अंदर की कुछ इंक्लूडिंग संख्यात्मक नंबर वाली मिलेगी। अब दोस्तों बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको दो से तीन क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्टली दो से तीन क्वेश्चन, ये दो से तीन क्वेश्चन आपको पढ़ लेनी है और अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, क्योंकि ये दो से तीन क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ही मायने रखती है एग्जाम के ऊपर में। अब दोस्तों बात करना हो परसेंटेज के बारे में, दोस्तों परसेंटेज के बारे में बात करूंगा। दोस्तों पता है कि आपको हर एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपको होती ही होती है, लेकिन तो इसमें आपको दो से तीन क्वेश्चन परसेंटेज से दोस्तों आ सकती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करना आगे मेंसुरेशन के बारे में, दोस्तों मेंसुरेशन जो है सो फ्रेंड्स आपको मेंसुरेशन से आएगी दो क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम दो क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से आने वाली है। दोस्तों टाइम एंड वर्क से तो फ्रेंड्स आपको टाइम एंड वर्क तीन से चार क्वेश्चन दोस्तों आने वाली है, ठीक है। टाइम एंड वर्क याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क को अपना मजबूत आप बना लीजिए। अब है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, दो चीज है टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, तो टाइम एंड डिस्टेंस आपको दो से तीन क्वेश्चन यहां पर आपको आने वाली। तो फ्रेंड्स आपको एसआई एंड सीआई ये दोनों सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोस्तों इस दोनों से आपको मोस्टली आपको एक एक क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आ ही जाएगी, ठीक है। अब तो आगे बात करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको आ ही जाती है। दोस्तों इससे आपको एक से दो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आपको आने वाली है। अब दोस्तों आगे बात करना हूं अलजेब्रा के बारे में, दोस्तों अलजेब्रा जो है उसमें आपको एक्स वाई के बारे में पढ़ना होता है, इससे भी दोस्तों मोस्टली एक से दो क्वेश्चन आपको आने वाली है।
आपको आगे बताऊं ज्योमेट्री एंड ट्रिकोनोमेट्री के बारे में। दोस्तों इससे आपको एक क्वेश्चन मात्र आएगी, ठीक है, या तो ज्योमेट्री आएगी या तो ट्रिकोनोमेट्री आएगी, और दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आने वाली है, ट्रिकोनोमेट्री से या ज्योमेट्री से। आगे बात करूं दोस्तों एलिमेंट्री स्टैटिक्स से, फ्रेंड्स आपको एलिमेंट्री और स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। स्क्वायर रूट से फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन से आपको दो से तीन क्वेश्चन, कैलेंडर एंड क्लॉक से एक क्वेश्चन आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों पाइप एंड किस्टर्न से आपको पक्का आपको एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ मोस्टली मिल जाएगी, ये आपको मैथमेटिक्स से फुल रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों अभी रुक जाइए, अभी आपको जीए और जीएस महत्वपूर्ण चैप्टर आपको यहाँ पर अभी कंफ्यूजन आपको दोस्तों हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि जीए जीएस में क्या अंतर है। मैं बताया था दोस्तों फर्स्ट वीडियो में, जीए मतलब हुआ कि आपको जीए में करेंट अफेयर और पुराने दोनों जुड़े जाते हैं, लेकिन दोस्तों जीएस में आपको जनरल साइंस जुड़े होते हैं। अब दोस्तों मोस्टली ये बात यहाँ पे ये आती है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनके मन में एक क्वेश्चन उठ रही है कि आखिर सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या आएगी, क्या पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आएगी या फिर सिर्फ करंट अफेयर आएगी। तो बता दो सबसे आएगी और मिसलेनियस आएगी। मिसलेनियस मतलब होता है कि मिले जुले क्वेश्चन, मतलब सब में से आपको मिला के दिए आएंगे। मैं आपको बताया था कि आपको एक मैं यहाँ देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स बताया था आपको जीए जीएस से आपको 20 क्वेश्चन आएगी, मतलब 20 में आपको मिसलेनियस मिला के दोस्तों दी जाएगी। अब दोस्तों बात आते हैं हम क्या कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगी, तो देख लीजिए फ्रेंड्स आपको दोस्तों करंट अफेयर जो निकलती है उसमें से आपको स्पोर्ट्स में आकर दो से तीन क्वेश्चन आपको मोस्टली यहाँ पर हार्डली मिलने वाली है। आगे दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपको दो से तीन क्वेश्चन इसमें ओल्ड और न्यू ये दोनों इसमें जुड़े होंगे, या तो इसमें ओल्ड वाला ही इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा बैंकिंग के टर्म में या फिर कुछ भी टर्म, अगर एक टॉपिक लूसेंट उठा लीजिए फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिए। अब दोस्तों बात करने वाला हूँ पॉलिटी के बारे में, दोस्तों पॉलिटिक्स साइंस में आपको दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली हार्डली आएंगे। अब करेंट अफेयर्स दोस्तों आपको 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे और आपको ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा दोस्तों हिस्ट्री दोस्तों यहाँ पर हम मैंने पहले कहा था हिस्ट्री से भी आने वाले क्वेश्चन है कि हिस्ट्री से आपको मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी दोस्तों मिले जुले क्वेश्चन। बाबर अकबर से हटाकर जब न्यू टॉपिक होती है थोड़ी सी बाहर की दोस्तों इसमें से आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर है मिले जुले मतलब क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर हार्डली पूछे जाएंगे, जिसमें आपको डांस कहाँ का है, असम का क्या है, नागपुर दिसपुर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स इसमें से आपको मिलाकर भारत में पहली बार क्या हुआ, विश्व में पहली बार क्या हुआ, तो इसमें विविध प्रश्न में से भी आपको यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन विविध में आपको यहाँ पर डेट फेट ये सब मिलाकर आपको मिलने वाली है मिसलेनियस क्वेश्चन में। दोस्तों अब तक की रिपोर्ट यहाँ पर मेरी यहाँ पर आ गई, लेकिन दोस्तों अब यहाँ से बात ये आती है आपको कि आखिर आप तैयारी तो दोस्तों कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब बात यही है कि आप तैयारी करने से पहले आप इसका प्रीवियस ईयर स्टेट मांग लीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके नीचे एक लिंक भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप डायरेक्ट वहां जाकर अमेजन पर से ऑनलाइन ऑर्डर कर इसे मंगवा सकते हैं, उसकी लिंक मिल जाएगी। नहीं तो दोस्तों आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे मेल जो आपको मेल भी आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा ईमेल पर मैसेज कर वो ये पीडीएफ फाइल दोस्तों पा सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीका है पाने का आपके पास, नहीं तो दोस्तों आपको मोस्टली ये क्वेश्चन आप चाहे तो आप बाजार में भी कुछ दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिना परेशान हुए खरीदना दोस्तों आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, वो भी आपके लिए एक अच्छा जरिया है, या फिर हमसे आप ईमेल करके ये पीडीएफ फाइल दोस्तों आप मंगवा सकते हैं। तो ये हुई अब तक की बात जहां से आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा कि आप ये यूनिक का जो होता है रिले भर्ती बोर्ड जो 2016 तक जितने भी क्वेश्चन है हार्डली उसे दोस्तों आप बना जाए, ठीक है। ये बनाने से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाली है, बहुत ही बेनिफिट दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा कि आप बहुत ही जल्द दोस्तों मैं एक वीडियो डालने वाला हूं, उस वीडियो के ऊपर में आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं आपको और कौन कौन से बुक आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप कौन कौन से बुक को पढ़ के आराम से आप पास कर सकते हैं, वो आपका वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो आप नीचे आप कमेंट कर भी बता सकते हैं कि हाँ मुझे कितना जल्दी चाहिए और कितना समय में चाहिए। और दोस्तों ये कहूँगा कि अगर आपको और भी कुछ अपडेट चाहिए उसके ऊपर में तो मैं आपको बता दूंगा बहुत ही जल्द, और आप मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको न्यू अपडेट रेलवे के ऊपर जितनी भी होगी ग्रुप डी की वो सभी की सभी आपको मिलेगी फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ कि अब तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ में, तब तक के दोस्तों धन्यवाद।